चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ स्टोन इज रोटेटेड स्टेडली इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ पीरियड टी कैपिटल टी बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज केप्ट कॉन्स्टेंट एंड एल इंक्रीजेज बाय 1%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टाइम टाइम पीरियड। ठीक है, तो फोर्स जो होता है स्ट्रिंग में, जैसे आप एक ऑब्जेक्ट को थ्रेड में बांध दें, ये स्टोन है एज्यूम करो, ठीक है, इसका मास 1 किलोग्राम मान लेते हैं, या आप कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू दिया नहीं ना है इसमें, ठीक है, करेक्ट। और थ्रेड की लेंथ लेकिन दिया हुआ है, थ्रेड की लेंथ है एल, सेंटर ओ है और ये घुमाया जा रहा है, तो जो सेंट्रिपेटल फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी एम वी स्क्वायर बाई आर, या इसको आप एम आर ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हैं, या एम इंटू वी इंटू ओमेगा, तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं सेंट्रिपेटल फोर्स को। तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला वैल्यू यूज करते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, और आर की वैल्यू को क्या बोला है, एल बोला है क्वेश्चन में, तो सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल टू जो है वो है एम एल ओमेगा स्क्वायर, यही सेंट्रिपेटल फोर्स टेंशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर टेंशन को टी से डिनोट नहीं करना है, हम टेंशन को टी से डिनोट जनरली करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में टाइम पीरियड को टी से बोला हुआ है, तो इसलिए हम टेंशन को टी से डिनोट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/T होता है, ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो टेंशन इज इक्वल टू, टेंशन को ध्यान रखो एम एल इंटू 2π/T का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो एम एल 4π² / T², ये टेंशन है। अब टेंशन को कह रहा है कांस्टेंट है, और मास भी कांस्टेंट होगा, और 4π² भी कांस्टेंट है, तो टेंशन डिवाइडेड बाई एम को इधर ले आओ, 4π² को भी इधर ले आओ 4π², तो आएगा कितना, L/T² लेंथ ऑफ द थ्रेड डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू लेफ्ट साइड की कांस्टेंट है, इट मींस L/T² भी कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट होगा इट मींस इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल, या टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में एल, करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें परसेंटेज चेंज कहा है, हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट और एरर में ऑलरेडी परसेंटेज चेंज के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा टाइम पीरियड और लेंथ के बीच में अगर देखा जाए तो परसेंटेज चेंज होगा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये परसेंटेज चेंज ये बन जाएगा इज इक्वल टू एल का पावर 1/2 है, क्योंकि रूट है तो एल का पावर 1/2 होगा, तो ये 1/2 नीचे आ जाएगा, और डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, तो ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1%, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 ये जो परसेंट है ये वैल्यू 1% है, तो यहां रिप्लेस करते हैं तो 1/2 × 1%, तो 1/2 × 1% कितना होगा 0.5%, तो टाइम में जो टाइम पीरियड में जो चेंज आएगा वो 0.5% का आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।